गाइस, तुम लोग भी बनाना चाहते हो अपनी एक कार्टून पोर्ट्रेट फोटो, तो गाइस बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन को यूज़ करके आप कैसे बना सकते हैं एक कार्टून पोर्ट्रेट फोटो, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। सो गाइस, इस एडिटिंग के लिए आपको बस दो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रखना होगा, वो है, एक एप्लीकेशन है रेमिनी और एक एप्लीकेशन के है पिक्सआर्ट। सो पिक्सआर्ट तो सबके पास होती है और आपको प्ले स्टोर से बस रेमिनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे भी दूंगा। तो गाइस चलिए इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो कैसी लगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, सॉरी इस चैनल को, और देखते रहिए हमारा फ्री स्टाइल हिप हॉप रैप सॉन्ग और इस एडिटिंग की ढेर सारा वीडियो। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की फोटो एडिटिंग। सो गाइस, कार्टून पोर्ट्रेट बनाने के लिए इस फोटो को हम शेयर करेंगे रेमिनी एप्लीकेशन पे, और यहाँ से हम चॉइस कर लेंगे एप्लीकेशन रेमिनी। सो प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, बट फ्री में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से कहा गया, सॉरी गाइस, सो यहाँ से नहीं होगा, तो हम चलते हैं रेमिनी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से हम करते हैं। सो ओपन हो गया, स्किप कर दीजिए, और यहाँ से हम चॉइस करेंगे ये वाला जो पेंट ऑप्शन है, आप दिख रहे हैं पेंट ऑप्शन, इसको हम चॉइस करेंगे, और पेंट करने की बाद यहाँ पर आपकी सभी फ़ोटो आ जाएंगी, और यहाँ से आपको आपका फ़ोटो चॉइस करना है। तो मैं चॉइस करता हूँ इस फोटो को। सो गाइस, ये फ़ोटो आ चुका है रेमिनी एप्लीकेशन के अंदर, और आपको क्या करना है, बस इस फोटो को करना है राइट, और अब जब राइट क्लिक करेंगे तब इसका जो काम की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप इंटरनेट ज़रूर से ऑन रखना। सो गाइस चलने दो थोड़ा। रेमिनी एप्लीकेशन में फ़ोटो को पेंट से सेव करने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से देखेंगे। अब देख चुके हैं इस फोटो को, इस फोटो के अंदर एक कार्टून पोर्ट्रेट जैसा फील और एक पेंट जैसा फील आ चुके हैं। सो गाइस, ये तो बेसिक काम पूरा हो गया, अब करना है कुछ डबल धमाका काम, तो चलिए करते हैं। यहाँ से इस फोटो को हम सेंड करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और पिक्सआर्ट कहा गया, ये पिक्सआर्ट तो ये वाला, तो हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इसको भेजते हैं, चलो देखते हैं क्या होते हैं आगे। सो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में काम करने की लिए आपको इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन तभी काम करेगा मैजिक टूल को जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। सो गाइस, इसको छोड़िए, हम यहाँ से ही कर लेते हैं। सो स्टार्ट एडिटिंग में जाएंगे, और यहाँ से अपने को जो रेमिनी वाला फ़ोटो है उसको ऐड करेंगे ये वाला। सो गाइस, ये फ़ोटो आ चुकी है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं इस फोटो में एक कार्टून जैसा पोर्ट्रेट जैसा फील आ रहा है। और इसके बाद हमको क्या करना है, जाना है सीधा एफएक्स टूल पे, और एफएक्स के जाने के बाद यहाँ से हमको चूज़ करना है मैजिक वाला ऑप्शन, तो आप ढूंढ लीजिए मैजिक वाला, ये रहा मैजिक वाला ऑप्शन। और मैजिक वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, एक मैजिक पे आपको टच करना है, और वो है ये जो नाइट स्केयर वाला नाइट कोर, हाँ जी, तो नाइट कोर वाला जो मैजिक है इसको आपको टच करना पड़ेगा, और आपकी इंटरनेट की जितनी भी वो होगी स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मेरे यहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ी लेट हो रहा है। तो गाइस, पिक्सआर्ट में इस फोटो को लाने के बाद आप देख ही सकते हैं इस फोटो में कार्टून वाला लुक आ चुका है, और इसके बाद हमको क्या करना है, इस
फोटो के साथ, इस कार्टून पोर्ट्रेट के साथ इसकी जो बैकग्राउंड होगी उसको हम मैच करेंगे। सो ये जो रिकॉर्डिंग वाला इसको इधर रखते हैं और हम चलते हैं कार्डआउट टूल पे। और कार्डआउट टूल के आने के बाद हम चॉइस करेंगे ये आउटलाइन को, और इसका जो ये है अराउंड 39, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे ड्रॉ, और यहाँ से इतना, और इसको पूरा हम ड्रॉ कर लेंगे और करेंगे यहाँ पर टिक। तो गाइस ये एक स्टिकर में बदल जाएगा, सो आप देखते रहिए। बैकग्राउंड इरेज होने के बाद उस मेरे जो फ़ोटो था उसको मैं सेव कर ले चुका हूँ, और मैं पिक्सार्ट में एक नया बैकग्राउंड को ला चुका हूँ। सो इसको इधर रखते हैं। और गाइस ये बैकग्राउंड की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस हम जाएंगे क्रॉप पर, और इसका रेशियो हम रखेंगे इंस्टाग्राम की जैसे, तो ये पोर्ट्रेट सो हो गया। तो यहाँ से करेंगे टिक, और यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट्स पर, और इफेक्ट्स पर जाने के बाद हम चूज़ करेंगे ब्लर ऑप्शन, ब्लर की फर्स्ट वाला ऑप्शन, और इसको कर देंगे पूरा फुल। सो गाइस देखेंगे ये फुल करने के बाद ये बैकग्राउंड कुछ ब्लारी टाइप का बस ऐसा बन जाएगा। और आपको ये बैकग्राउंड में काम नहीं करना है तो आप कर सकते हैं इस नया बैकग्राउंड को ट्राई, जो कि मैं मेरे फ़ोटो पे कर चुका हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ से हम जाते हैं उस बैकग्राउंड पर जो कि मैंने यूज़ किया था। सो ये है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। सो गाइस इसको क्या करना है, फिर से करना है क्रॉप, और ये लीजिए मैंने क्रॉप कर दिया। इसको रेशियो रखना है इंस्टाग्राम की जैसे, और इस ऐसे करना है, और यहाँ से जाना है एफेक्ट्स पर, और एफेक्ट्स पर करना है ब्लर पे टाइप, और पूरा कर देना है इसको, हो गया 100। सो गाइस आप क्या करना है, यहाँ से हम स्टिकर को चूज़ करेंगे, और हमारा जो कटआउट ऑप्शन है वो किधर को गया, कट आउट रिसेंट डिस्कवर। सो इसके लिए हमको इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करना है, और इंटरनेट कनेक्शन को हम ऑन कर चुके हैं, और रिसेंट और माय स्टिकर है कार्ड आउट फोटो। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड पहले से इरेज कर चुका हूँ, और इसको हम एडजस्ट करेंगे ऐसे, इसको फुल कर देंगे क्योंकि ये इस फोटो के हिसाब से बनाया गया था इस बैकग्राउंड को। सो गाइस इसको हम पूरा खींच के कर देते हैं। सो गाइस आप देख ही सकते हैं बैकग्राउंड के साथ कार्टून पोर्ट्रेट कितना मिल चुकी है। और गाइस ये बैकग्राउंड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप ऐसे ही एक कार्टून पोर्ट्रेट आपकी डीपी के लिए और आपके इंस्टाग्राम के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप बना सकते हैं। और यहां से हम जाएंगे हमारा जो टिक्स है उसको लगाने, और यहां से हम करते हैं इसको रेडी, और यहां से करते हैं चॉइस हम पिक्सार्ट को, और इसके अंदर है हमारी जो लोगो। सो गाइस के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कि आप कैसे ये लोगो बना सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हमको ये रख दिया है, इफेक्ट्स में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, इसको हम ब्लैक करेंगे, और फिर से हम इसका जो ब्लेंडिंग है इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा, और इसको हम बड़ा करके यहाँ पर रख देंगे। सो गाइस अब देख सकते हैं कि कार्टून पोर्ट्रेट कितना अच्छा लग रहा है, कितना एक सेल्फी फ़ोटो को लेकर मैं कार्टून पोर्ट्रेट बना चुका हो। और आप भी बनाए आपकी ऐसे कार्टून पोर्ट्रेट फ़ोटो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैं दे चुका हूँ, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरे को टैग कीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कैसे आपकी फ़ोटो को कार्टून पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ से हम कर लेंगे इस फोटो को डाउनलोड, और कल सुबह पहुँच जाएगा इंस्टाग्राम पे। सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन चेकआउट माय डिस्क्रिप्शन। और गाइस एक बात, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो इसी चैनल पर आने वाला है।